कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूँ आपका वो शेफ धीरज। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं तंदूरी शेफ़ के बारे में। तंदूरी शेफ़ के बारे में कई टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि हम लोग जो भी इंडिया में काम करें, आप में से कई सारे लोग हैं जो तंदूर पे काम करते हैं या तंदूर पे अपना फ्यूचर या कैरियर देखते हैं कि ग्रोथ होगी नहीं होगी, क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको आज आपके जो सॉल्व करने वाला हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आज मैं क्या क्या कवर करूँगा, तो मैं ये कवर करूँगा कि तंदूरी शेफ़ एक्चुअल में होता क्या है, क्या कोई स्पेशल कोर्स होता है तंदूरी शेफ़ बनने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग जॉब करना चाहें तंदूर सेक्शन में, इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गल्फ कंट्री में या इंग्लिश कंट्री में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके बाद हम लोग ये मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है अगर आप एक सिर्फ तंदूर शेफ़ बनना चाहते हैं। पर इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मुझे भी कम से कम 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप लोगों को भी हो गया होगा, मैंने लाइफ में कभी भी कोई भी तंदूर वाला शेफ़ 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते हुए नहीं देखा है। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। अगर आप कोई एक अभी तंदूर शेफ़ हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ तंदूर में काम करके अपने 60 साल की ज़िंदगी बिता दूंगा या 60 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा तंदूर शेफ़ से, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, और आपको कैसे ग्रोथ करनी है मैं आपको वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं तंदूरी शेफ़ की। हम लोग इंडिया इंडिया में रहते हैं, हम लोग कोई भी एक डिग्री, डिप्लोमा, क्राफ्ट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कुछ भी कर लेते हैं, और हम अपनी लाइन चूज़ कर देते हैं, इंडियन इंडियन लाइन हम लोग चूज़ कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडियन शेफ़ बनना चाहते हैं, और हम लोग स्टार्टिंग अपनी कौमी लेवल से करते हैं। इसके बाद हमें कुछ और मालूम पड़ता है, कुछ नई चीज़ें कि भैया तंदूर आपके इंडियन सेक्शन में तो करी अलग होता है, तंदूर अलग होता है, साउथ इंडियन अलग होता है। तो उसमें जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट होता है, हम लोग वहाँ कन्वर्ट होने लग जाते हैं। कोई अपने आप को तंदूरी शेफ़ बनाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, कोई अपने आप को साउथ इंडियन, साउथ इंडियन तो बहुत ही कम ही होते हैं, कोई अपने आप को करी का शेफ़ बनने लग जाता है, बोलने लग जाता है, या वो उस दिशा में काम करने लग जाता है। पर आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सिर्फ तंदूरी शेफ़ की। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में या मिडिल में कभी भी अपने आप को एक चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, करी या तंदूर, क्योंकि कोई नहीं चाहता बहुत ज़्यादा काम करना कि वो करी में भी काम करे, वो तंदूर में भी काम करे, और वो एक तरीके से पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। इसके बाद बात करते हैं कोई स्पेशल कोर्स होता है तंदूर के लिए। जी नहीं, कोई भी स्पेशल कुछ कोर्स नहीं होता है तंदूर में ही काम करने के लिए। आपको बेसिकली एक आप डिग्री डिप्लोमा बोल दीजिए, चाहे आप एक डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, कलनरी आर्ट, कुछ भी बोल दीजिए, आपको एक ये नॉर्मल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, हम लोग कॉमी लेवल स्टार्ट कर देते हैं, तो अब हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं इंडिया में। हमारे पास हम लोग होटल्स में, 5-स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट में, टेक अवेज़ में, क्लाउड किचन में, कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं अगर हम लोग सिर्फ एक तंदूर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एब्रॉड की, बाहर जाना है आपको, तो शिप में अब तो होता ही नहीं है तंदूर, सबसे पहली बात। कहीं कहीं पे जैसे एशियन में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ में रिक्वायरमेंट होती है, सेम जैसे इंडियन रेस्टोरेंट हमारे इंडिया में होते हैं, सेम वैसे गल्फ़ कंट्री, दुबई, दोहा, बहरीन, कतर, ये सब कंट्रीज़ में होते हैं, तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे भी 5-स्टार होटल्स में भी रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश कंट्री होता है, जैसे जर्मन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ भी आपकी, कनाडा हो गया, यहाँ भी आपकी अच्छी खासी मांग होती है, यहाँ भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग की। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई का मतलब है कि आपने ट्रेनिंग ख़त्म कर ली, आप जॉब कर रहे हो, 2-3-4-5-6-7 साल हो गए आपको, आप ये सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, या आपकी ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैंने 60 साल का कोई भी एक तंदूर से रिटायर होता हुआ शेफ़ नहीं देखा है, जिसने कि अपने आप को सिर्फ बोल दिया हो कि मैं एक तंदूर शेफ़ हूँ और मैं तंदूर पे ही काम करूँगा। तो जी हाँ, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं, अगर आपके मन में कभी भी ऐसे विचार आते हैं कि मैं सिर्फ एक तंदूर शेफ़ हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप काम करें ना करें, पर उस काम का ज्ञान जरूर रखें। आपको आपको करी के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको साउथ इंडियन के बारे में मालूम होना चाहिए, अगर आपको अपने लाइफ में आगे ग्रो करना है। क्योंकि जब तक आप यंग हैं, आप लोग 35 साल तक हैं, 34 साल तक हैं, तो आपके पास एक पावर होती है, शक्ति होती है काम करने की। पर जैसे जैसे आप लोग, आपकी एज बढ़ती जाती है, आपके पास जो काम करने की पावर होती है वो कम होती जाती है, और यहीं पे एक दूसरा बंदा पीछे से आता है, एक थर्ड कॉमी आता है, और वो आपसे तेज़ तंदूर में रोटी लगाता है,
और ऑनर बोलता है कि भैया इसको रख लेते हैं, ये तो कम तनख्वाह भी लेगा, और आपको निकाल दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। पर वहीं अगर आपके पास आपकी नॉलेज ज़्यादा होती है, आपके पास एक्सपीरियंस तो वैसे भी ज़्यादा ही है, आपने इतना सारा काम कर लिया है, और आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं, तो आपकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है, और आगे जाके आप लीड करते हो किसी भी एक रेस्टोरेंट को, किसी भी एक होटल को। मैंने सिर्फ लाइफ में कभी भी एक तंदूर शेफ़ को एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनते हुए नहीं देखा है। एक इंडियन शेफ़ है जो करी करता है, तंदूर का काम भी उसे मालूम है, साउथ इंडियन का भी थोड़ा आता है, थोड़ा क्वांटी का भी आता है। मैंने उसको एग्जीक्यूटिव शेफ़ ज़रूर बनते हुए देखा है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, पर मैंने एक किसी एक ऐसे बंदे को या ऐसे तंदूरी शेफ़ को नहीं देखा जिसने सिर्फ तंदूर में काम करके किसी 5-स्टार होटल का शेफ़ बन गया हो। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, अगर आप तंदूर में काम करते हैं तो प्लीज़ बाकी चीज़ों का भी ध्यान दीजिए, और अपने आप को कन्वर्ट कीजिए कि भैया मैं ये भी कर सकता हूँ। आप करिए मत, पर जब भी आप जाते हैं लोगों को ज़रूर बताइए, सिर्फ अपने आप को एक डिपार्टमेंट तक मत बांधे रखिए, क्योंकि यही है जो कि आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी सैलरीज आगे बढ़ेगी, आप एक रेस्टोरेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनोगे, क्योंकि कोई भी एक सिर्फ तंदूर के नाम पे कोई रेस्टोरेंट नहीं चलता है, कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है, आपको तंदूर आता है, आप उसमें स्पेशलाइज़ कीजिए, आप इंडियन में करी का भी काम सीखिए, आप साउथ इंडियन का भी काम सीखिए, और आप किसी रेस्टोरेंट में एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाइए, किसी बड़े एक इंडियन होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाइए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, इंग्लिश सीखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए, कंप्यूटर सीखिए। अभी कुछ समय बाद मैं अपना एक TTT ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी लाने वाला हूँ, स्पेशली वो उन लोगों के लिए होगा जो कौमी लेवल CDP हैं, सूस शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, जिसमें कि सिखाया जाएगा कि आपको किस तरीके से ट्रेन करना है अपने आप को मेरी ट्रेनिंग्स के द्वारा, क्योंकि मैंने भी इन ट्रेनिंग्स की है और मैं अब आपको आगे सिखाना चाहता हूँ। वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ जो भी तंदूरी शेफ़ होंगे उन्होंने अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा दिमाग को खोला होगा, और वो सिर्फ तंदूर तंदूर की बातें नहीं करेंगे, और वो भी आगे ज़रूर बढ़ के कैरियर में ग्रो करेंगे, क्योंकि लास्ट में हर कोई चाहता है उसके पास एक अच्छी पोजीशन हो, और उसके पास एक अच्छे रहने को घर हो, अच्छे पैसे हों। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मेरे नीचे व्हाट्सअप के या यूट्यूब पे आप लोग छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, ताकि अगर आपके चीज़ें अच्छी होती हैं, आपके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। बाकी मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वहाँ पर भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।